तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? दिस इज एलके एंड आज हम लोग जानेंगे एंटमैन एंड द वास्प क्वांटोमेनिया की स्टोरी, वो भी 10 मिनट में। तो चलो वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेनेट को दिखाया जाता है जो कि क्वांटम रियल में फंसी होती है। जेनेट को वहां पर एक आदमी मिलता है जो और कोई नहीं बल्कि कैंग होता है। कैंग जेनेट को बताता है कि वो भी उसी की तरह यहां पर फंस गया है। एंड कैंग जेनेट को एक ऐसी मशीन दिखाता है जो कि मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल दोनों कर सकती थी, लेकिन उस मशीन का पावर इंजन खराब हो चुका था, जिसको ठीक करने के लिए कैंग जेनेट से हेल्प मांगता है और बदले में जेनेट को उसी टाइम पर पहुंचाने का वादा करता है जिस टाइम पे वो क्वांटम रियल में आई थी। जेनेट कैंग की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों मिलकर उस इंजन को ठीक करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा नाकामयाब होते हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद वो दोनों उस इंजन को ठीक कर देते हैं। कैंग और जेनेट बहुत खुश होते हैं। जेनेट उस इंजन को वापस से मशीन में फिट कर रही होती है, लेकिन मशीन का कंट्रोल कैंग के माइंड से जुड़ा था, जिसकी वजह से जेनेट को एक सपना आता है और वो सपने में देखती है कि कैंग ने लाखों यूनिवर्स को तबाह कर दिया था और इस अपराध के लिए कैंग को क्वांटम रियल में बंदी बनाया गया था। ये देखते ही जेनेट बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कैंग से बोलती है कि वो उसको यहां से नहीं जाने देगी। कैंग जेनेट को बहुत समझाता है और वो जेनेट से बोलता है कि वो जेनेट के यूनिवर्स को छोड़ देगा और उसके यूनिवर्स पे कभी भी हमला नहीं करेगा। लेकिन जेनेट कैंग से वही बात पूछती है कि मल्टीवर्स का क्या होगा, जिस पर कैंग जेनेट से बोलता है कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। ये सुनते ही जेनेट उस इंजन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कैंग जेनेट को पकड़ लेता है। जेनेट उस इंजन पर पिम पार्टिकल्स लगा देती है और वहाँ से भाग जाती है। पिम पार्टिकल्स की वजह से वो इंजन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मशीन में फिट नहीं हो सकता था। एंड इसी तरह कैंग और जेनेट क्वांटम रियल में फंसे रह जाते हैं। इसके 30 साल बाद हैंग पिम वहाँ पर आता है और वो जेनेट को लेकर चला जाता है। इसके बाद हमें मेन टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ पे अपना स्कॉट एक सेलिब्रिटी बन चुका था। स्कॉट ने एक किताब भी लिखी थी और वो हमेशा एक ही बात सोचता था कि आखिर उसकी जिंदगी एकदम से कैसे पलट गई। लेकिन थोड़ी देर बाद स्कॉट को एक कॉल आती है जो कि पुलिस स्टेशन से आई थी। पुलिस स्कॉट को बताती है कि उसकी बेटी कैसी जेल में बंद है। ये सुनते ही स्कॉट जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कैसी को जेल से बाहर निकलवाता है। स्कॉट कैसी को जल्दी से घर पर लेके जाता है जहाँ पे हमें होप को दिखाया जाता है जो कि हैंग पिम की कंपनी की मालिक बन चुकी थी। उसके बाद हैंग पिम और जेनेट को दिखाया जाता है। रात को जब सभी लोग डिनर करते हैं तब स्कॉट कैसी को डांटने लगता है और बोलता है कि काश उसको वो 5 साल वापस से मिल जाए। इसके बाद होप जेनेट से मल्टीवर्स के बारे में पूछती है, जिस पर जेनेट भड़क जाती है और मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती। हैंग पिम जेनेट से बोलता है कि वो जेनेट को कुछ दिखाना चाहता है। इसके बाद वो सभी लैब में जाते हैं। हैंग पिम जेनेट को एक मशीन दिखाता है जो कि क्वांटम रियल में सिग्नल भेज रही थी। हैंग बताता है कि ये मशीन कैसे ने बनाई है। जेनेट उस मशीन को बंद करने के लिए बोलती है और जाकर मशीन को बंद कर देती है, लेकिन मशीन वापस से एक्टिव हो जाती है और वो सभी को क्वांटम रियल में खींच लेती है। उनके साथ क्वांटम रियल में 5-6 चींटियां भी चली जाती है जो कि हैंग पिम की वफादार होती है। क्वांटम रियल में स्कॉट और कैसी साथ होते हैं। उनको वहाँ पे कुछ टेढ़े मेढ़े दिखने वाले लोग मिलते हैं जो कि अलग ही भाषा बोल रहे थे। वो लोग उन दोनों को अपने इलाके में लेकर जाते हैं और उनको एक लाल रंग का पानी पिलाते हैं, जिसको पीने के बाद कैसी और स्कॉट उनकी लैंग्वेज को समझने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उस इलाके की मालिक वहाँ पे आती है और वो स्कॉट से यहाँ पर आने की वजह पूछती है। स्कॉट बोलता है कि वो दोनों यहाँ पर फंस गए हैं और उनके साथ 3 लोग और भी है जो कि यहीं कहीं पे फंसे हुए हैं। बीच में स्कॉट जेनेट का नाम भी लेता है, जिसे सुनकर वहाँ की लीडर शॉक हो जाती है और वो स्कॉट को वहाँ से जाने की चेतावनी देती है। इतने में मोडो को वहाँ पर आ जाता है और बहुत ज्यादा तबाही मचाने के बाद वो कैसी और स्कॉट को लेकर कैंग के पास चला जाता है। बीच में स्कॉट को पता चलता है कि येलो जैकेट ही मोडो है। इसके बाद होप को दिखाया जाता है जो कि जेनेट से मल्टीवर्स के बारे में पूछ रही होती है। जेनेट होप को सब कुछ बता देती है। इसके बाद जेनेट उन दोनों को वही पानी पिलाती है जो कि कैसी और स्कॉट को पिलाया गया था। इसके बाद वापस से हमें स्कॉट को दिखाया जाता है। थोड़ी देर में कैंग वहाँ पर आ जाता है और वो स्कॉट से बोलता है कि अगर स्कॉट उसकी मदद करे तो कैंग उन दोनों को छोड़ देगा और अगर मदद नहीं की तो उसकी बेटी कैसी को मार डालेगा। स्कॉट उसकी बात मान जाता है और उस इंजन को वापस से छोटा करने के लिए चला जाता है। जैसे जैसे स्कॉट इंजन के पास जाता है वैसे वैसे उसके बहुत सारे क्लोन बनते चले जाते हैं। इतने में होप वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों मिलकर उस इंजन को वापस से छोटा बना देती है। तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है और वो स्कॉट से इंजन को छीनकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हैंक वहाँ पे आता है और वो अपने साथ बहुत सारी चींटियां भी लेकर आता है जो कि उनके साथ क्वांटम रियल में आ गई थी। अब क्योंकि क्वांटम रियल में समय की कोई पाबंदी नहीं होती तो चींटियों ने वहाँ पर 5,000 साल बिता दी थी एंड वो सभी चींटियां इंसानों से भी ज्यादा विकसित हो गई थी। उसके बाद सभी मिलकर कैंग से फाइट करते हैं। कैसी मोडोक को बताती है कि कैंग मल्टीवर्स को तबाह करना चाहता है, जिसको सुनकर मोडोक एंटमैन की साइड हो जाता है और एंटमैन की बहुत मदद करता है, लेकिन वो कैंग के हाथों मारा जाता है। जेनेट वापस जाने का पोर्टल खोल देती है एंड सभी पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैंग एंटमैन को वहीं पे पकड़ लेता है। उसके बाद एंटमैन और कैंग में फाइट होती है जिसमें कैंग एंटमैन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी होप वहाँ पे आ जाती है और वो दोनों मिलकर कैंग को मार डालते हैं। एंटमैन उस इंजन को भी तोड़ देता है जिसकी वजह से पोर्टल बंद हो जाता है और एंटमैन होप के साथ वहीं पे फंस जाता है। थोड़ी देर में कैसी वापस से पोर्टल को खोल देती है और वो दोनों निकल जाते हैं। इसके बाद मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कैंग के बहुत सारे वेरिएंट आने वाले हैं।